सभी पूज्य संतों को मैंने दीपावली में अयोध्या आमंत्रित किया है, वे सभी अयोध्या आए, भगवान राम के अयोध्या आगमन के उत्सव में शामिल हों। और आप सब से भी मैं अपील करूंगा कि भगवान राम के नाम पर 6 और 7 नवंबर को एक एक द्वीप प्रज्वलित करके हम इस उत्साह को और अच्छा बना दें, ये आप सबकी प्रति अपील है। सारे कार्य यथा समय पूरे होंगे, अभी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। जहाँ तक पूज्य संतों का और राम भक्तों का विषय है, तो कोटि कोटि राम भक्त और जो पूज्य संत हैं, सभी चाहते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बने, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। मंदिर निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, समझौते के बाद सर्वाधिक संभावना है। जब दोनों संभावनाएं समाप्त होती हैं तो फिर कानून का रास्ता बनता है। लेकिन इन सारे विषयों से अलग हट करके रामलला की जन्मभूमि पर बाबर के नाम से कोई स्मारक और कोई इमारत नहीं बनेगी, यह मैं जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा एक एक राम भक्त।